अंजू ने कुछ कुछ यूं किया, अरविंद और अपने बच्चों के जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो काटो काम। न्यूट फिल्में बना ली। नहीं आप भाई कहती मीडिया में निकाह के लिए नहीं आई हूँ, मैं धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर बुरका पहनने के लिए नहीं आई हूँ। निकाह के नाम पे बिल्कुल पलटी, निकाह के नाम पे नफरत। वो तो कल देख से कह रही है, वो बिल्कुल सही, अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। चला बचकानी बात की नेकलेस के नेकलेस कंपनी वाले जूते से भी नहीं निशान पड़ते। आपके चैनल पे कह रहा हूँ, इंटरव्यू से डंडा लेके पीछे पाकिस्तान भाग कर गई अंजू। जब बीते रोज हिंदुस्तान लौटी तो टीवी 9 ने उसे फॉलो किया। बातचीत के दौरान उसके गले पर जख्म के निशान मिले कुछ। जब उससे ये पूछा गया तो वो पल्ला झाड़ते हुए बोलने लगी कि ये नेकलेस के निशान है। इस वीडियो रिपोर्ट को जब हम लोग ने पब्लिश किया तो तमाम लोगों के रिएक्शंस आए। इस तरह की बातें कही जाने लगी कि एक बड़ी साजिश हो सकती है अंजू के हिंदुस्तान में दस्तक देने के बाद। इस तरह की तमाम अटकलों वजहों के जवाब तलाशने के लिए हम इस वक्त आए हुए हैं सीनियर एडवोकेट एपी सिंह के पास। इनसे ही जानेंगे कि क्या साजिश हो सकती है अंजू के भारत में दस्तक को लेकर। बहुत स्वागत सर टीवी 9 पर। सर पहली प्रतिक्रिया आपकी अंजू के भारत आने पर। नहीं, सबसे पहले तो बधाई टीवी 9 भारतवर्ष को कि उन्होंने एक छुपके जो आ रही थी अंजू, जांच एजेंसियां तो करके अपना काम अलग करती हैं लेकिन जनता को कैसे पता चले। मीडिया का जो चौथा स्तंभ है उसके कर्तव्य को बखूबी निभाया और पूरी तरह से पूरा इंटरव्यू चलते चलते जल्दी कैसे भी कठोर क्वेश्चन आराम सब कुछ सामने रखा, जिसके बाद ये सब हुआ। 21 जुलाई को यहाँ से गई तो 25 जुलाई को उन्होंने वहाँ जा कर के धर्म परिवर्तन हो गया, बुरका पहन लिया, फातिमा बन गई, निकाह हो गया, अंजू फातिमा बेगम बन गई, रजिस्ट्रेशन हो गई, मैरिज सिक्योरिटी मिल गई, हनीमून हो गया, वलीमा हो गया, सुहागरात हो गया, आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर ड्रोन कैमरे से शूटिंग हो गई, हरी हरी चुनरिया, जबरदस्त फंडिंग, जबरदस्त करोड़ों रुपए बाहर, एकदम आइसोलेटेड हिल स्टेशन है, वहां कोई नहीं था, माली भी नहीं दिख रहा था और उस पर ड्रोन कैमरे से शूटिंग हो रही है और चल रही है, बहुत बढ़िया लगा कि बहुत ब्रांडेड। उसके अगले 2 दिन के बाद तीसरे दिन व्यापारी वहां पहुंच गए, बिल्डर पहुंच गए, मकान लो, पैसे लो, नौकरी लो और सब जगह के काम होने लगे। मक्का मदीना पे हज जाने के लिए भी सब तैयारी हो गई। 3 दिन के बाद उनका कुछ नहीं पता चला। आखिरी फोटो जो उनका दिखा था वो पर्दा नशीन महिला जो बुरका जाते पहन लिया और अभी भी बुरके पहन के आई थी, वो वहां जाके एक होटल में लंच या डिनर के समय 12 मर्दों के साथ बेपर्दा हो गई। और एकदम वेस्टर्न उसमें बेपर्दा होके बैठी। वो पर्दा, मैं इस्लाम धर्म की बड़ी इज्जत करता हूँ, पर्दा है ठीक है, कल्चर है तो, लेकिन उन्होंने बेपर्दा हो गई और फिर उसके बाद ये सब हुआ। तो अब 5 महीने वहां रही, 5 महीने का कोई ब्यौरा नहीं, 5 महीने कहाँ रही, किसके पास रही, क्या होता रहा, ISI मिले, आतंकवादी मिले, सरकार मिली, क्या मिला क्या नहीं मिला, ट्रेनिंग हुई नहीं हुई। भाई 1 महीने में 30-31 दिन होते हैं, 1 घंटे में भी 24 घंटे होते हैं, 1 दिन में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, पूरा होना चाहिए। आई है चुपके से, जांच एजेंसियों ने तो स्ट्रेस आउट कर लिया। TV9 भारतवर्ष ने पूछा कितनी देर आपसे पूछताछ हुई, पहले बोली 10-15 मिनट, 20-25 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, तो जिसको 10 मिनट से 1.5 घंटे का अंतर नहीं पता, इसका मतलब वो छुपा रहा, इसका मतलब वो पूरी तरह से झूठ बोल रहा। क्या साजिश हो सकती है आपको? साजिश ये हो सकती है, देखिए पाकिस्तान 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका के बाद पाकिस्तान और भारत के अच्छे संबंध नहीं रहे, ना राजनीतिक रहे, ना खेल में रहे, ना आर्थिक रहे, ना सीमा पे रहे, ना सेना में रहे, कहीं रहे, यही गलत है। और दुनिया के सब देशों से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, केवल यही, ऐसा नहीं, बांग्लादेश भी पड़ोसी देश है, नेपाल हमारा बहुत अच्छा, श्रीलंका हमारी अच्छी, अफगानिस्तान से भी हमारा कोई इतना कुछ नहीं, तो पाकिस्तान से ही है, तो ये उनको लगता रहता है। तो इस तरह से ये है कि यहाँ से गई, बुलाया गया उस समय जल्दी से, तो वो तो सीमा के केस में काउंटर ब्लास्ट दिखा रहे थे बराबर, एक गई है हमने भी लाए हैं और ये किया है वो किया है, और उन्होंने तो 3 दिन में सब कुछ खोल दिया, और यहाँ सीमा को इतने महीने, लगभग 1 साल होने जा रहा है, खुली किताब है, उसका हर कुछ दिखता है। ठीक है, वो सवाल तो मौजूद ये है ना कि उनका
आना, वो डिफेंड ये कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चों से मिलने आई हूँ। और इसमें आपके इस वक्तव्य से मतभेद कुछ लोगों को ये हो सकता है कि आपने सरहद पार से आई सीमा हैदर के प्यार को स्वीकार करते हुए उसकी पैरवी की थी। यहाँ पर भी क्या अगर प्यार का एंगल है, वो अपने बच्चों से मिलके वापस जाना चाहती है, तो इसे साजिश से, जो आप जैसे अलग अलग अपने इंटरव्यूज में ये बात कर रहे हैं, तो इसे साजिश से जोड़ना आप कुछ एक बड़ा वर्ग आपको हिपोक्रेसी से जोड़ देगा। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, वो जाती बच्चों को लेके जाती, हम समझते बच्चों का प्यार, बच्चों से कह के जाती, बच्चों से वीडियो कॉलिंग करती, बच्चों के लिए चिट्ठी लिखती, बच्चों के लिए गिफ्ट, इसमें तो कोरियर तो नहीं मना कर देता भाई। उसके अलवर फ्लैट में अंजू को आना मना कर दिया गया, क्या अरविंद जी के लिए बच्चों के लिए कोई गिफ्ट आता तो मना हो जाता? नहीं होता, वो तो आता। वीडियो कॉलिंग तो मना नहीं हो जाती जब उनके निकाना में क्या रहे थे मीडिया के पास। अरविंद की ओर से, उनके पति की ओर से बंदिशें लगा दी गई थी कि अब हमारा उनसे वास्ता नहीं है। वो तो फर्स्ट डे से कह रही है, वो बिल्कुल कि मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती। नहीं, फर्स्ट डे से कह रही होती तो जाती नहीं, लेके जाती, पूछ के जाती, बता के जाती, कह के जाती। उन्होंने अपने प्यार को तुलना में बच्चों, पति को तो छोड़ ही दो, जब दूसरे मर्द से प्यार हो रहा तो पति तो गया ऐसी तैसी में, बच्चे रह गए, बात बच्चों की है, तो बच्चों से भी प्यार होता तो लेके जाती, उनको भी साथ घूमने जाना था। उन्हें तो पता नहीं था वहां धर्म परिवर्तन हो जाएगा, अंजू को तो नहीं पता वहां निकाह हो जाएगा, वो तो उन्होंने कर लिया, इसकी तो सहमत नहीं थी ना। इसने यही कहा मैं तो घूमने आई हूँ, दोस्त के नाते आई हूँ, इसने कभी नहीं कहा मैं तो आई हूँ इस काम के लिए। तो बच्चों को भी लेके जाती, बच्चों को भी घुमा के ले जाती, इंटरनेशनल घूम के आते बच्चे की चोट के निशान जो है उन पर आते हैं जी। क्या हो सकता है वहां पर उनके साथ, क्या ज्यादती हुई कुछ? अब क्या क्या हुआ, बेहतर तो घुमा फिरा के वो बता नहीं पा रही हैं। उनसे पूछा TV9 भारतवर्ष ने, ऐसा पहला चैनल है जिसको पूरी दुनिया ने फिर फॉलो किया और देखा, आपके हेड ऑफिस से वो करते रहे सारा कुछ। उन्होंने निकाह के बारे में पूछा उनसे, निकाह हुआ था आपका, उसकी बात छोड़ो, पिछली बातें छोड़ो 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 छोड़ो, मतलब निकाह से परहेज हो गया उन्हें ऐसा लग रहा है। अरे बीते हुए लम्हों की कसकियात तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी, पर आपका निकाह हुआ है तो आपको मुस्करा देती जी, याद कर लेती जी। निकाह के नाम पे बिल्कुल पलटी, निकाह के नाम पे नफरत, निकाह के नाम पर उन्हें नफरत लग रही। निकाह के नाम पे तो किसी को नफरत नहीं होती, आप तो निकाह प्यार में ही गई, प्यार का अगला पड़ाव था निकाह, प्यार का अगला पड़ाव होता है शादी, ऐसा तो था नहीं। ये नहीं तो आप जबरदस्त कह देती, नहीं आप भाई कहती मीडिया में निकाह के लिए नहीं आई हूँ, मैं धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर बुर्का पहनने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ कोर्ट मैरिज के लिए नहीं आई हूँ, कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आई हूँ, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कहती वहां पर। वहां तो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अब उसके बाद ये हुआ तो चोट के निशान की बात है। 5 महीने उनके साथ क्या हुआ, ब्लैकमेल की जा रही है उनको, ऐसा न्यूड फिल्में बना ली, भाई आजकल तो बहुत कैमरे स्पाई ऐसे होते हैं जो उन्हें भी ना पता चला हो और सब कुछ बन गया हो, उन्हें पता ही नहीं चला हो। बचकानी बात की नेकलेस के नेकलेस कंपनी वाले जूते से भी नहीं निशान पड़ते हैं, तलवार से भी निशान नहीं पड़ते, तलवार को रखे बैठे रहो, अपने आप खोल के तलवार रखे रहो, चक्कू को रखे रहो आप, मैं ऐसे रखे रखता हूँ, हाथ घुमाता रहता हूँ अगर निशान लग जाए। वो तो नेकलेस है गले के लिए, महिलाओं के लिए, किसी पहलवान के लिए नहीं बनाया गया कि वो दारा सिंह के लिए बना दिया, उनपे क्या फर्क पड़ना नेकलेस के निशान से। वो कोमल अंग महिला के लिए सौंदर्य का प्रतीक है नेकलेस, तो उसको बहुत तराश के सही करके बनाया जाता है, नेकलेस से कोई निशान नहीं पड़ती। कि इतनी चोटें लग गई जो इतना दिन सही होती रही, इतना उनके साथ हरेशमेंट हो गया, इतनी क्रूअल्टी हो गई, इतना टॉर्चर हो गई कि इसीलिए उन्हें निकाह बुरा लग रहा है, इसीलिए उन्हें 1 घंटे और 15 मिनट और 1.5 घंटे का पूछताछ का समय नहीं पता चल रहा है। जब TV9 भारतवर्ष ने पूछा आपसे सुरक्षा एजेंसियों ने क्या सवाल किए जी, कुछ नहीं, और कोई बात नहीं, ऐसे होंठ कांप रहे थे, थरथरा रही थी, उनके अनएक्सपेक्टेड सवाल आ गए थे, तो आप सवाल थोड़ी बताएंगे।
टीवी 9 भारतवर्ष के इतनी बड़ी टीम को, रिपोर्टर्स को, लीगल टीम को, सबको ये थोड़ी बताएंगी क्या हमसे पूछो क्या नहीं पूछो। तो जो पूछेंगे पूछेंगे, जो देश हित में होगा वो टीवी 9 भारतवर्ष पूछता रहा है और पूछेगा और आगे भी पूछेगा जो देश के लिए हो। तो उन्हें लगा भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हमारा है, तो टीवी 9 भारतवर्ष ने तो पूछा अगर हमारे देश की बेटी गई है तो चोट के निशान सबको पता चलना चाहिए, मारी गई तो बोलो, पीटी गई तो बोलो, बताओ। तो उस पर घबरा गए। तो ये जो चीजें, सवाल का जवाब एक भी नहीं क्या पूछा गया, बताती कि हमसे प्रेस रिपोर्ट में सुरक्षा एजेंसियों ने प्रेस रिलीज जारी की कि हमने उससे शादी के कागज पूछे नहीं लाई, गिफ्ट मिले नहीं लाई, मकान के कागज मिले नहीं लाई, कोई कागज नहीं लाई, कहा इतने दिन नहीं घूमी फिरी कहां कहां तो फोटोग्राफ नहीं लाई, लैपटॉप वही है, फोटोग्राफ वही है। कानूनी तौर पर ये भी समझाइए कि अगर वो अपने बच्चों को ले जाना चाहती हैं पाकिस्तान, हाँ तो वो मैं बताया, कानूनी तौर पर उन्हें कैसे मदद मिल सकती है? देखिए देखिए देखिए, बच्चों का जहां तक मामला, एक बच्चा 16 साल का है, एक है उनका 6-7 साल का, दो बच्चे, दोनों बच्चे इतने ब्रेस्ट फीडिंग वाले नहीं हैं, स्तनपान नहीं कर रहे हैं, बच्चे जो गोद में खेल रहे हों जिन्हें कुछ पता ना, उस हालात में तो बच्चों की वेस्ट कस्टोडियन मदर मानी जाती है। लेकिन जहां इतने समझदार हो चुके हैं, जहां 6 महीने से तो रेगुलर पिता के साथ ही रह रहे हैं, ठीक है पहले भी सर्विस में थी वो अलग विषय, चलिए आती थी मिलती, लेकिन 6 महीने से तो लगातार है। बच्चे जब ये बोल चुके हैं आप सबके चैनल पर, मेरे लिए मेरी माँ मर गई, माता पिता ग्वालियर से बैठ के बोल चुके मेरे लिए बेटी मर गई, अरविंद भिवानी के फ्लैट से बैठ के बोल चुका मेरे लिए मेरी पत्नी मर गई, केस रजिस्टर करा चुका है इनके खिलाफ, वो बहुत केस है। तो ये सब कुछ बावजूद हमारी लॉ क्या कहता है गार्जियनशिप एक्ट के मामले में, गार्जियनशिप एक्ट की सेक्शन 12 सेक्शन 13 ये धाराएं हैं बच्चों के कस्टडी को लेके। बच्चों की कस्टडी क्या कहती है, हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैमिली कोर्ट का सेटअप है, पहली बात सूट मतलब जो इसमें पड़ता है हिंदू लॉ में गार्जियनशिप, हिंदू सक्सेशन में और हिंदू लॉ में गार्जियनशिप एक्ट में, जहाँ बच्चे रह रहे होते हैं सबसे पहली बात वही केस पड़ता है, ये अटल सकते हैं। क्यों? पति पत्नी के केस तो जहां तहां और जगह से पड़ जाते हैं। कोर्ट ने, हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और जो संविधान निर्मात्री संस्थाएं थी उन्होंने साफ तौर पर रखा कि बच्चा जहां रह रहा हो उसी की जुरिडिक्शन वाली कोर्ट में केस पड़ेगा। जिसको माँ को आना है, माँ आए कलकत्ता से आए, बॉम्बे से आए, हीथ्रो एयरपोर्ट से आए, लंदन से आए, शिकागो से आए, वही आएगी वही केस जिसको चाहिए, जिससे बच्चों को जाना ना पड़े। बच्चे कहाँ कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ क्यों जाएंगे? अब माँ बाप में, पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है, अरविंद और अंजू में हुआ, सीमा और गुलाम हैदर में हुआ, तो वो तो कहीं कहीं से कोई डाल देगा, तो बच्चे तो यही करते रहेंगे, भागते रहेंगे, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका ब्रॉटअप का समय होता है, वो मुकदमा लड़ने के लिए तो पैदा हुए नहीं, वो तो हो गए, अब धोखे से माता पिता उन्हें ऐसे मिल गए मुकदमेबाज, जो लिटिगेंट हो गए, जो लड़ेंगे पिसेंगे, तो मुकदमा पड़ेगा वही जिस जगह बच्चे रहते हैं। भिवानी, एक बात क्लियर कर दूं आपको, लीगल है, एकेडमिक है जी। ये सवाल हमसे, क्योंकि हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर, उस पर बहुत लोग जुड़े हुए, उस पर भी लोगों ने सवाल पूछे, क्योंकि लोगों को तो सोशल मीडिया से नॉलेज भी चाहिए आजकल, तो इंस्टाग्राम पे भी पूछे डॉक्टर एपी सिंह लायर, पेज पे भी डॉक्टर एपी सिंह लायर पूछे। मैंने यही कहा, मीडिया रिपोर्टर्स ने भी इस बात की जानकारी की, क्योंकि कल ये खबर आ गई थी कि 30,000 आ रही है, कुछ खबर क्या आ गई कि इसके लोगों ने मुझसे भी बात की थी, मेरे ऑफिस पे फोन किया था कि बात करेंगे, तो मेरा जो गूगल पे नंबर होता है, गूगल है उस पे डॉक्टर एपी सिंह लायर, गूगल पे लोग ढूंढ लेते हैं, तो ऑफिस का नंबर देखा है, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है उस पे, तो उस पे लोगों ने फोन किया पाकिस्तान से कि अंजू बात करना चाह रही, अंजू मिलना चाह रही, उसी समय तो हमने, हमें नहीं मिलना, हमें नहीं करना, तो मेरी इच्छा है ना, मैं क्या केस करूं क्या नहीं करूं, नहीं करूंगा इसका तो नहीं करूंगा, मैं नहीं कह रहा वहां जबरदस्ती उसके साथ निकाह हो गया। धर्म पर जिसकी लंबे वक्त से पैरवी करते रहे सीमा हैदर की, तो वो भी वहां वो आई, वो आई, वो आई, पति को उसका तलाक हो चुका, बच्चों को लेके आई, अगर वो बच्चों को नहीं लाती मेरी उसके प्रति आश्रय श्रद्धा खत्म होती, बच्चों को लेके आई, लेकिन पति को तो छोड़ के आ गई, तलाक दे दिया 4 साल पहले पति ने, पति ने तो 4 साल पहले तलाक दे दिया, पति तीसरी बेगम के, ये दूसरे नंबर की थी सीमा,
पहले एक बार छोड़ी किसी को, वो तो तीसरे नंबर इनकार करता है कि मैंने, वो तो बोलने के लिए इनकार करते हैं ना, वो कहने के लिए इनकार करते हैं। चार साल से कोई संपर्क नहीं, चार साल से कोई लेना नहीं देना नहीं, बच्चे नहीं पहचानते, सोचो ना छोटी बात थोड़ी है। जिसके माता पिता थे, इसकी माता पिता की मृत्यु हो गई, सीमा की जब मृत्यु हो गई तो आगे, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप कवर करते हैं टीवी 9 भारतवर्ष को, और ग्राउंड जीरो पर भी रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपने देखे उनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, अच्छा हो जाता है, फैसिलिटी सेंटर है, अच्छा बढ़िया प्ले के लिए, बच्चे के लिए कमरा है, खेल है, खिलौने हैं, बहुत अच्छी तरह से चॉकलेट, मतलब आप आशा कर सकते हैं कि फैमिली कोर्ट के जज के कोर्ट में चॉकलेट रखी जाती है डेली, बच्चा आया उसको चॉकलेट दो, उसको ये दो, ये दो, तो ये अलग तरह का। अंजू इस समय गायब कहाँ है? हाँ मैं बता रहा हूँ ये सवाल। उसके बाद दूसरा ये सवाल जो लोग हर कोई जानना चाह रहा है कि अगर अंजू इन केस अपनी गलती मानकर वापस हिंदुस्तान में रहने को आई हो, शायद जो बताना ना चाह रही हो सुरक्षा के लिहाज से, तो जब इस तरह की मुखर बयानबाजी आप जैसे वरिष्ठ वकीलों की ओर से होने लगे कि अंजू ये गलत वो गलत दुनिया भर का गलत, तो फिर वो कहीं ना कहीं संकोच करेगी अपने फैसलों में। नहीं, उसे वही बताना चाहिए, तो वही से बोलना चाहिए, तो कहना चाहिए अगर नहीं रहने का इरादा तो उसके पीछे टॉर्चर है, बताए ना, बोले ना, हम साथ देंगे, हम साथ देंगे आपके चैनल पे, कह रहा हूँ। इंटरव्यू से डंडा लेके पीछे बोले? नहीं, डंडा नहीं लेके पड़ा, मैं कह रहा हूँ वो बोले पाकिस्तान में हमारे साथ ब्लू फिल्में बनाएंगे, पाकिस्तान में हमारे साथ हरेसमेंट हुआ, पाकिस्तान में हमें कुचला गया, पाकिस्तान में हमें मारा पीटा गया, चोट के निशान वहां के लोगों ने हमारे साथ किए हैं, हम साथ देंगे उसका, हम बिल्कुल साथ देंगे, लेकिन वो तो बताए तभी तो बोलेगी, तो बोलना तो पड़ेगा। ये तो वकील साहब दूसरी परिस्थिति हो गई, ये तो आकलन हो गया कि वहां पर ये हुआ होगा। इन केस अगर वो वहां से अपने परिवार की याद में उसे गलती का एहसास हुआ हो, वो वापस आना चाहे, तो उसे माफ ना, धर्म वापस लेना, तो उसे तो माफी की गुंजाइश नहीं, उसे हम और वाजपेयी जी और टीवी 9 भारतवर्ष तो माफ करेगा नहीं, माफ तो पति करे, बच्चे करें, माता पिता करें। अरविंद पर भी धोखा देने का आरोप लगा रही है। हाँ तो वो क्या लगा भी? भाई दो बच्चे पाल रहा है, उसका धोखा दिख रहा है, अभी बच्चे पाल रहा है ना, उसने तो शादी नहीं की, उसने तो दूसरा विवाह नहीं किया, उनको बच्चों में भविष्य देख रहा है, बच्चों के साथ जी रहा है, बच्चों के साथ इस चैप्टर को, काले चैप्टर को भुला देना चाहता था वो, तो उसके अंजू ने कुछ कुछ यूं किया, अरविंद और अपने बच्चों के जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से, आई और फिर बच्चे पढ़ाई डिस्टर्ब, अरविंद डिस्टर्ब। फिलहाल तो अरविंद के गाँव वाले तो उसे इस आस पे है कि वापस आए, अपने धर्म घर वापसी हो। हाँ अब उनकी तो वो घर वापसी है, इनके लिए पत्नी वापसी मना हो गया है, माँ को लिए बच्चे की वापसी मना हो चुकी है, तो ये सब दारोमदार है, लेकिन अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो बताना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अब वहाँ से आके अंडरग्राउंड हो जाना, एयरपोर्ट लाश देखी गई, जाते समय चार नंबर गाड़ी देखी गई, जाते समय चार नंबर की गाड़ी पर कोई मर्द लेके जा रहा है, बैठ के आगे जा रही है, उसके बाद से गायब है, बुधवार की शाम से कोई पता नहीं, कल भी पता चला सालासर बालाजी की तरफ, उधर लोकेशन उनकी ट्रेस की गई जो देखा गया दिल्ली से 5 किलोमीटर दूर थी, ऐसी भी आई बातें, तो ये सब चीजें जो हैं टेस्ट करें। वो बोली हैं कि हमें पाकिस्तान में बहुत सम्मान मिला, सर आंखों पर बिठाया गया, कुछ भी मेरे साथ ज्यादती नहीं हुई, बस मैं अपने बच्चों से मिलने आई हैं और अगर वो जाना चाहेंगे तो मैं वापस ले जाऊंगी। तो जाने के लिए देखिए वो धर्म बदल चुकी, बच्चों का क्या धर्म होगा, एक बात नहीं केवल ले जाने से, वो मां केवल नहीं रह गई, वो दूसरे धर्म की दूसरे की पत्नी बन चुकी। पिछली बार आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने ये कहा था कि माँ का बच्चों पर पहला बेस्ट कस्ट, आज भी बोल रहा हूँ, मदर इज बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड, ये फार्मूला मैं इसमें बोलता हूँ, लेकिन बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे की जब तक ब्रॉटअप उम्र आ जाती, गोद वाले बच्चे की बेस्ट कस्टोडियन, बच्चा चलना शुरू किया जैसे सोनिया अख्तर में, सोनिया अख्तर का बच्चा मदर इज बेस्ट कस्टोडियन, सीमा सचिन मीना के बच्चे मदर इज बेस्ट कस्टोडियन, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे माँ पे पहले, हम ही आप व्यवहार देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, अपने घरों में देखिए। अच्छा एक बड़ा तबका इसे एक आतंकी साजिश से भी जोड़कर देखने लगा है और एक इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि इंडिया में उनकी दस्तक एक बड़ी आतंकी साजिश हाँ, को ध्यान में रखते हुए हुई है। ये घातक इसलिए भी, राजस्थान हमारे बॉर्डर का क्षेत्र है, बाड़मेर और उदयपुर,
बिल्कुल पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है, जितना इधर है उतना उधर पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान के जख्म हमें मिलते रहे, चाहे 26/11 को, एक तरफ हम 26/11 को संविधान दिवस मनाते हैं देश का, सबसे दुनिया के सबसे बड़े संविधान की पूजा करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को धन्यवाद करते हैं, उसी समय हमें 26/11 का वो हमला भी याद आ जाता है जब हमारे देश के सैनिक पुलिसकर्मी तुकाराम जैसे लोगों के चित्र डूब रहे थे, वो भी याद आता है। हमें संसद भवन जब नया बनता है तो हमें वो संसद पर हमला भी याद आता है, तो संसद पर आतंकी हमला हुआ था, हमें पुलवामा कांड भी याद आता है, हमें दिल्ली हाईकोर्ट पर भी हमला याद आता है, हमें वाराणसी हाई कोर्ट पे भी हमला, वाराणसी की कोर्ट में भी हमें हमला याद आता है, हमें करौल बाग और जयपुर के सीरियल बम कांड भी हमें याद आता है। वो करने वाले लोग थे, आज भी वो आतंकवाद पाकिस्तान से जुड़ा हुआ विषय हो गया। पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, जन्म देता है, पोसता है, बड़ा करता है, बड़ा करके पूरी दुनिया में भेजना चाहता है, पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद को भेजना चाहता है पाकिस्तान। अंजू फातिमा बेगम अब वो क्या क्या कर सकती है, क्या ट्रेनिंग दी उन्हें, अभी बुधवार से अब तक आज टाइम हो गया, अंडरग्राउंड है, 4 दिन हो गए, किससे मिल रही, क्या साजिश है, क्या है? के आधार पर कुछ निकल के नहीं आया, उन्हें छोड़ दिया गया। आप पूछताछ के आधार, इसको क्या पूछताछ में छोड़ना भी एक पूछताछ का तरीका होता है, कई बार हमने देखे जांच एजेंसियों के कई लोग उसको छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कहां कहां जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, पूरी गतिविधियां पूरा फॉलोअप करते हैं, पूरी जांच करते हैं, तो ये भी होता है। तो ये बड़ा और गंभीर विषय है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, इस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय और राजस्थान की पुलिस, इनको पूरी सतर्कता से काम करना चाहिए। नेकलेस की चोट तो नहीं होती, नेकलेस तो जहां तक रहता वहीं तक रहता, नीचे थोड़ी पहुंच जाता, फिर आपको छुपाना क्यों पड़ रहा है, ये सब ऐसे ऐसे दबाना क्यों पड़ रहा है, फिर इतनी गहराई क्यों कहनी पड़ रही है। जी इतना आप गुस्सा जाहिर कर रहे हैं अंजू के खिलाफ, फर्ज करिए अंजू आपके सामने बैठती हैं आकर इसी दफ्तर में और कहती हैं कि मुझे मेरे साथ पाकिस्तान में अन्याय हुआ लेकिन मैं वापसी करना चाहती हूँ, तो आप तो इतनी खिलाफत, और आप जैसे कह रहे हैं कि मैं अंजू का केस ही नहीं लूंगा अगर वो मेरे पास आती है। नहीं, बात क्या है, पहले देखिए हमारे पास जो भी आता है सच बताता है, अपराध किया है तो भी बताता है, नहीं किया है तो भी बताता है, कितना इन्वॉल्वमेंट है। लोग कहते हैं ना, डॉक्टर और दाई से पेट नहीं छिपाए जाए, हमें आगे पता ही चल जाएगा, तो साफ दिल से आते हैं। वो कहती वही बाघा बॉर्डर पर TV9 भारतवर्ष कि देखिए मैं किसी तरह से बच के आ पाई, मैं इतनी टॉर्चर हुई, मेरे चोट के निशान दिखाते हैं ना आपके चैनल पर, आपके चैनल पर लोग चोट के निशाने भी दिखाते हैं, लाशें भी पड़ी हुई दिखाते हैं, आप उन्हें ब्लर करते हैं। ये बताइए आप दो टूक के अंजू का केस आप लेंगे क्या अगर वो इस तरह की दो बातें हैं पहले वो स्थिति अपनी क्लियर करें। पाकिस्तान ने उन्हें मारा, पीटा, कुचला, दबाया, ब्लैकमेल किया, एक्सटोरेशन की, ISI के पास ले गए, ट्रेनिंग दी, हरेसमेंट किया, परेशान किया, भारत के खिलाफ बहलाया, फुसलाया, बरगलाया, भारत के खिलाफ साजिश रचवाई, हमें बताएं। और यही कोर्ट का काम है। आपने देखा कहीं फांसी के केसों में जब माननीय अदालत फैसला देती तो क्या लिखती है कि सुधार मैसेज देने के लिए, छिपाने से यहां छिप जाएगा, हम नहीं पूछेंगे, लेकिन मेडिकल होना चाहिए उनका, मेडिकल पे पता चलेगा चोट के निशान है कि नेकलेस के निशान है, कहां का निशान है, पूरे शरीर पर निशान है, पेट के पे निशान है, क्या है, 3rd degree हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो बताना चाहिए, कहना चाहिए। निकाह के नाम पर उनका भड़कना सबको पता चल रहा है, कितने लोग निकाह के नाम पे भड़कते, कितने लोग शादी के नाम पे भड़कते, कोई नहीं मुझे भड़कते। अरे बीते हुए लम्हों की कसम याद तो होगी, ख्वाबों में भी हो चाहे मुलाकात होगी, ये भरा रहता है। तलाक नहीं दिया गया है अभी इसे, हाँ तलाक हुआ नहीं है, उन्होंने वहां शादी कर ली, धर्म परिवर्तन कर लिया, रह लिया, तो वो तो सब यार कानूनी रूप से कुछ नहीं चला, कानूनी रूप से चलता क्लेम कर दे कि मुझे वापस आना है, मैंने तलाक नहीं लिया। आपकी दुनिया ने देखा निकाहनामा सबके टेबल पे, सब दे देंगे, आप लोग TV9 भारतवर्ष दे देगा, ये लीजिए तलाकनामा, उनका निकाहनामा आया था, निकाहनामा सबके पास आया था, चला था उस समय, तो निकाह जब हो गया तो तलाक की बात खत्म हो जाती है, ऑलरेडी हो गया, खत्म हो गया संबंध, बच्चों से भी संबंध खत्म हो गया, क्योंकि धर्म बदल लिया आपने। बच्चे जरूरी नहीं कि माँ के साथ धर्म बदलें, कुछ जरूरी पिता के पास रहना चाहिए, बच्चों से काउंसिलिंग होगी, बच्चों से पूछा जाएगा, बच्चों से जानकारी की जाएगी, बच्चों से बात की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया AP सिंह साहब TV9 से बात करने के लिए। अंजू गुनहगार हैं या फिर वो अपने बच्चों के लिए आई हैं, ये फिलहाल जांच का विषय है, एजेंसियां लगी हुई हैं, हमारी आशा और उम्मीद यही कि अगर वो गुनहगार हैं
तो वो जल्द राजफास होंगे। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।